दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल Fly with Krish में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में है कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरपूर, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो दोस्तों जब भी हम YouTube में अपना प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक चैनल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको डिसाइड करना कि किस कंटेंट पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो ज़रूरी होता है, और उसके बाद उस वीडियो को एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों जब आप ये तीन तरीके अच्छे से कर लेते हैं तो चौथा तरीका आता है वीडियो को एडिट करना, या कह लीजिए वीडियो को अच्छे से रेडी करना फाइनल अपलोड के लिए। क्योंकि दोस्तों वीडियो को बेहतरीन तरीके से एडिट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप YouTube पे अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल स्टेप जिससे आप अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो अब आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ आपको काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों मैंने यूज़ किया है काइन मास्टर, तो मैं आपको काइन मास्टर पे ही वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं पर्सनली भी इसी में वीडियो एडिट करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया आप कौन सा वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं या आप वीडियो कैसे एडिट करते हैं। तो दोस्तों अब हमें ओपन करना है क्या, काइन मास्टर। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, साथ में ये प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने वीडियो एडिट की है, तो यहाँ पे ये सेव होती रहती है। अब हमें क्या करना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है, साथ ही साथ आप देखेंगे 16:9 का रेशियो, उस पर हम कर देंगे क्लिक। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा, और 16:9 का रेशियो हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि YouTube वीडियो इसी रेशियो में होती है। अब दोस्तों यहाँ आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा जिससे आपको अपने फ़ोन की सभी फ़ोटोज़ और वीडियोस एक जगह इकट्ठी दिखेंगी। अब हम मान लीजिए कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली। तो दोस्तों अब इसमें है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अनलिमिटेड फीचर्स हैं जिसके ऊपर मैं शायद अलग से एक ट्यूटोरियल काइन मास्टर पे वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सभी फीचर्स को डिटेल में समझाऊं। अभी मैं ब्रीफली वीडियो समझा रहा हूं जिन लोगों को वीडियो एडिट करना सीखना है, मतलब बेसिक और सिंपल स्टेप्स ही मैं इस वीडियो में बताऊँगा जो आपको इस ऐप में ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो मान लीजिए आपने कोई भी डाल दी अपनी रिकॉर्ड करके। अब दोस्तों आप इसमें कई फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरी वीडियो फेड होके शुरू हो रही है, ब्लैक से फेड हो रही है। दोस्तों ये फीचर डालने के लिए आपको अपनी वीडियो में जाना होगा सेटिंग में, यहाँ आप देखेंगे वीडियो का ऑप्शन, यहाँ देखेंगे वीडियो फेड इन को कर देंगे आप स्टार्ट। साथ ही साथ दोस्तों जितने ज़्यादा सेकेंड्स तक अपना वो फेड लाना चाहते हैं उतने सेकेंड का आप ला सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो फेड आउट भी कर सकते हैं, मतलब जब वीडियो एंड होने वाली हो तो भी आपकी वीडियो फेड आउट हो, ना कि एकदम ही एंड हो जाए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एपिसोड 69 लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों ये होता है क्लिप ग्राफिक्स की मदद से, इन तरीकों से आप कोई भी अपनी वीडियो के ऊपर क्लिप ग्राफिक ला सकते हैं और उसे कोई भी अंदर टेक्स्ट डाल के एपिसोड या वीडियो या अपना नाम, चैनल का नाम, कुछ भी ऐसा आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोई भी वीडियो अपनी बीच में से ट्रिम करनी है या आपको कोई हिस्सा वीडियो का नहीं चाहिए, तो वीडियो में क्लिक करेंगे, यहाँ सीजर पे आप क्लिक करेंगे, और मान लीजिए आपको वीडियो के इस लाइन के पीछे का हिस्सा नहीं चाहिए तो आप ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड की वीडियो हट गई। अब आप ट्रिम टू राइट करेंगे तो राइट साइड की वीडियो हट जाएगी, ये देखिए ये राइट की हट गई, अब बची सिर्फ इतनी वीडियो। अब दोस्तों स्प्लिट एट प्लेहेड करेंगे तो
मान लीजिए एक हिस्सा आपने पूरा एडिट कर दिया, तो अब आप उसे अलग रखना चाहते हैं, तो आप इसे अलग रख के इसकी खुद की वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं और इसमें स्पीड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें लेयर की, तो इसमें आप मीडिया, मतलब इसमें आप वीडियो के ऊपर कोई वीडियो या इमेज चाहते हैं, मतलब वीडियो पे वीडियो या वीडियो पे इमेज, तो आप मीडिया पे यानी लेयर पे मीडिया क्लिक करेंगे तो ऐसी आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ये डालता हूँ तो ये फोटो पे वीडियो आ गई है, और वीडियो पे आप डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, मान लीजिए मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी वीडियो पे फोटो भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे और मेरी क्या कोरोना वायरस मोबाइल स्क्रीन से भी फैल सकता है। दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा नॉलेज। अब दोस्तों मान लीजिए आपको अपनी वीडियो पे वीडियो नहीं चाहिए, वीडियो के बाद सेपरेटली आपको एक वीडियो या फोटो चाहिए, तो आप पहले इसे कीजिए स्प्लिट एड प्ले हेड, और अब आप मीडिया पे क्लिक करें ना कि लेयर पे। यहाँ पे आप वीडियो चूज करेंगे तो आप देखेंगे वीडियो के बाद वीडियो आई है, ना कि वीडियो के ऊपर, कुछ इस तरीके से। वैसे ही आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं, मीडिया में जाइए और कुछ इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पे वीडियो के ऊपर फोटो थी, अब वीडियो के बाद एक फोटो है। तो दोस्तों ऐसे कई कमाल के फीचर्स इस ऐप में हैं। अब मान लीजिए आपको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है या ऑडियो डालना है, तो ऑडियो पे जाएंगे और कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक आप डाल सकते हैं। ये देखिए नीचे आ गया, इसकी वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और अपनी वीडियो की वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। और दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो पे कोई वॉइस ओवर देना चाहते हैं या अपनी अलग से वॉइस डालना चाहते हैं, तो आप वॉइस पे जाके स्टार्ट कर दीजिए और वॉइस डाल दीजिए। और ये आप देखेंगे वॉइस नीचे, सभी नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, बेसिक फीचर्स ही बताऊंगा जो आपको एडिट करने में वीडियो को मदद करें। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी वीडियो हो गई है पूरी एडिट, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट एंड शेयर लिखा होगा, और यहाँ पे वीडियो का रिजोल्यूशन भी लिखा होगा जो कि 720 1080 4K HD जैसे ऑप्शन होंगे। अब आप अपने हिसाब से कोई भी रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो डालता हूँ 720 या 1080p में, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इनफ है YouTube के हिसाब से। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे नीचे साइज भी वीडियो का लिखा है, जैसे 52 MB अगर 720 डालता हूँ, 118 अगर 1080p डालता हूँ, ऐसे ही 4K डालता हूँ, तो 500 MB की यही सेम वीडियो बन जाती है जो कि 50 MB की 720 में होती है। साथ ही साथ दोस्तों फ्रेम रेट आप रखें 30 ही, इसे छेड़े ना, और जो बाइट रेट है उसे आप 10.3 मिनिमम सेट करके रखें। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो इससे आपकी जो वीडियो की साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा, जैसे कि आपने देखा नीचे। अब दोस्तों आप ये सब करने के बाद कर दीजिए इसे एक्सपोर्ट, तो दोस्तों ऐसे ही ये हो जाएगी एक्सपोर्ट पूरी और आपकी वीडियो हो जाएगी रेडी अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं वीडियो एडिट। और एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप काइन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको इस ऐप में काइन मास्टर का लोगो भी लगा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों अब उस लोगो को हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने काइन मास्टर जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आप प्ले स्टोर की बजाय उस लिंक से काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप बिना काइन मास्टर लोगो के मज़े से वीडियो एडिट करके अपलोड कर सकें। तो दोस्तों ये सिंपल स्टेप्स अपना के आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसे अपलोड के लायक बना सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है एडिट करके काइन मास्टर ऐप में, आप चाहे तो पावर डायरेक्टर ऐप भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो एडिट करने के बाद जब आप अपलोड करें तो आपको थंबनेल की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक अच्छा थंबनेल वीडियो की और चैनल की ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। तो आप ऊपर आई पे क्लिक करके मेरी थंबनेल वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप अपनी वीडियो को एडिट करना सीख पाए हों।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो अब लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई अपडेट एक नई खबर के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।